कोर्ट क्या नहीं क्या मैं बता रहा हूँ। माननीय अमित शाह जी आए थे देवघर, जो शिलान्यास किए, उद्घाटन किए, अभी वहां से आवेदन आया है। वहां पर ग्रामीणों का जो जमीन है, खेत है, बाड़ी है, उसमें आलू लगा हुआ था, बैगन लगा हुआ था, रात भर में उन लोगों को हटाया गया। वहां से जल्दी यहाँ से खाली करो। अभी तक उन लोगों को कंपनसेशन नहीं मिला है और नौकरी भी ली है। अब बांग्लादेशी कौन है? तो बांग्लादेशी बड़ा मुश्किल बात है। आज राज आज अलग हुआ है, 3 दिन पहले अलग हुआ है, साल भर पहले अलग हुआ है। 22 साल पार हो गया, 22 साल में आज तक किसी ने सर्वे नहीं किया कि कितना बांग्लादेशी यहाँ आया है। कौन सर्वे करेगा? केंद्र सरकार क्यों नहीं इसमें हस्तक्षेप करती है? होम मिनिस्टर क्या कर रहा है? तो सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसीलिए ना हम लोग इस लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों लड़ाई लड़ते हैं? पहले जमीन बचे, पहले जमीन बचेगा तो आदिवासी बचेगा। लेकिन यहाँ आदिवासी की जमीन पर बहुत सारा चीज हो रहा है, बहुत बड़ा बड़ा मॉल बन रहा है। क्या नियम है? अभी ये आपका पल्स हॉस्पिटल जब बना, 22 साल हो गया, उससे पहले से बढ़ रहा था क्या? क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हुई? ऐसा ऐसा तो बहुत हुआ है ना, और हो रहा है, अभी भी हो रहा है। ठीक है, आपने जो कहा कि यहाँ के लोग बेच रहे, अरे यार कोई दलाल लोग फिट कर दिया तो उसको देखने का काम सरकार का है ना। हाँ, यहाँ SPT एक्ट है, CIT एक्ट है, पैसा कानून भी है। पैसा कानून अभी तक नहीं लागू हुआ, अभी छत्तीसगढ़ में लागू हो गया। आप शराब मॉडल लाते हो छत्तीसगढ़ से, तो ये पैसा एक्ट वाला मॉडल भी ले आओ। इसीलिए तो हमने कहा कि यार झारखंड बता रही क्या होगा नहीं होगा, भगवान भरोसा, आपने पहले भी बोला था। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।